नमस्कार, पापा मम्मी किचन डॉट कॉम में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको दो तरह से पुदीने की चटनी बनाना बताऊंगी। दोनों का स्वाद अलग अलग होगा और खाने में दोनों ही बहुत ही स्वादिष्ट बनके तैयार होती है। इस तरह की चटनी बना करके यदि आप फ्रिज में रख देंगे तो सप्ताह भर भी ख़राब नहीं होती है। तो आइए पुदीने की चटनी दो तरह से बनाना शुरू करते हैं। पुदीने की चटनी बनाने के लिए मैंने एक बंच पुदीना लिया है। ये दो तरह से चटनी बना करके तैयार करेंगे। आधा पुदीना मैं ग्राइंडर में डाल देती हूँ। इसी के साथ इसमें दो टेबल स्पून जितना हरा धनिया डाल देती हूँ। हरा धनिया पुदीने के साथ मैं थोड़ा डाल लें, उसका फ्लेवर अच्छा लगता है। इसी के साथ मैंने दो हरी मिर्ची ली है, इसको भी बड़ा बड़ा ही काटा है, ये भी इसमें डाल देते हैं। और चार पाँच मैंने लहसुन की कलियाँ ली है। आप लहसुन नहीं खाते तो स्किप कर सकते हैं, तो थोड़ा सा लहसुन डालने से इसमें फ्लेवर अच्छा आता है और खाने में स्वादिष्ट भी लगती है चटनी। आप चाहे तो अदरक का आधा इंच का टुकड़ा इसमें डाल सकते हैं। मैं अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ इसमें, तो एक टीस्पून जितना पेस्ट है। क्वार्टर चम्मच इसमें काला नमक डाल देते हैं और क्वार्टर चम्मच इसमें सादा नमक डाल देते हैं जो कि रोज खाते हैं। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हैं। आधा टीस्पून मैंने भुना हुआ जीरा लिया है, ये भी इसमें डाल देते हैं। अभी थोड़ा सा पानी डाल करके इसे पीस लेते हैं। थोड़ा सा हमने पीस लिया है, इसमें डालने की जगह हो गई है। इसके अंदर मैं खटाई के लिए कैरी डालूंगी, क्योंकि कैरी का मौसम होता है, उस समय हमें कैरी खटाई डाल करके पुदीने की चटनी बनाते हैं, बहुत ही अच्छी लगती है। ये मैंने पूरी खट्टी करी नहीं ली है, ये खट्टी मीठी करी ली है, क्योंकि कभी कभी आम लेते हैं और आम कभी खट्टा मीठा निकल जाता है, थोड़ा मीठा भी होता है थोड़ा खट्टा भी होता है। वो वाला आम इसके अंदर डाल के बनाते हैं तो फ्लेवर भी अच्छा आता है और खाने में टेस्ट भी अच्छा आता है, और इसमें हमारे को शक्कर वक्कर भी नहीं डालनी पड़ती, हल्का सा मीठा सा आता है, तो ये बहुत ही स्वादिष्ट बनके तैयार होती है। तो इस तरह की कभी खट्टी मीठी करी निकल जाए आपके पास तो आप ये पुदीने की चटनी बनाकर तैयार करें, बहुत अच्छी लगेगी। ये चटनी देखिए बहुत ही अच्छी पीस के तैयार हुई है, कलर भी इसका बहुत अच्छा आया है और खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है इस समय। और गर्मियों के मौसम में इस तरह की चटनी बना करके जरूर खाना चाहिए, क्योंकि पुदीने की तासीर ठंडी होती है, तो ये चटनी खाने में स्वादिष्ट लगती है। अब मैं चटनी आपको दूसरी तरह से बनाना बताती हूँ। तो उसके लिए मैंने आधा बंच पुदीना लिया है। पुदीना मिक्सी के जार में डाल देते हैं और इसमें अभी दो टेबल स्पून जितना हरा धनिया डाल देते हैं। हरा धनिया हमने आपने देखा कि दोनों ही बार डाला है, तो हरा धनिया का कॉम्बिनेशन पुदीने के साथ में थोड़ा अच्छा लगता है, तो आप थोड़ा डाले इसमें, पर उसका टेस्ट इसमें बहुत ही अच्छा लगता है। दो हमने हरी मिर्ची ली है, ये भी इसमें डाल देते हैं। और क्वार्टर टी स्पून जितना इसमें हम काला नमक डाल देते हैं और क्वार्टर टी स्पून जितना ही हम इसमें सादा नमक डाल देते हैं। एक टी स्पून जितना इसमें हम अदरक का पेस्ट डाल देते हैं। आपके पास अदरक का पेस्ट नहीं है तो अदरक एक इंच अदरक के टुकड़ों का आप काट करके डाल सकते हैं। आधा टी स्पून जितना इसमें हम जीरा डाल देते हैं। जीरा वगैरह डालने से क्या, जीरे की तासीर थोड़ी ठंडी होती है, तो गर्मी के मौसम में तो ठंडी चीज़ें खाते हैं और पीते हैं तो अच्छा रहता है, तो खाने में ठंडी चीज़ें जरूर खानी चाहिए। तो एक बार इसको थोड़ा पानी डाल करके पीस लेते हैं। क्या थोड़ा पानी डाल के पीस ले, थोड़ी मिक्स के जार में जगह हो जाती है। अभी चटनी को हम दही डाल करके बनाएंगे। दही की चटनी भी खाने में अच्छी लगती है और दही की तासीर भी ठंडी होती है, तो इस पुदीने की चटनी में दही डाल कर बनाएंगे तो उसका स्वाद भी बहुत ही अच्छा आता है। ये हमारी चटनी पीस के तैयार हो गई। इस तरह का कभी भी आप घर में एक बंच लेके आए या दो बंच पुदीना लाए तो अलग अलग तरह चटनियाँ बना करके रख सकते हैं। तो बहुत सारे नमकीन वगैरह बनाते हैं तो उसके साथ भी खाने में अच्छी लगती है, या कभी पानी पूरी वगैरह बनाते हैं तो उसके साथ खा सकते हैं। ये पुदीने की चटनी बहुत तरह से बना करके तैयार कर सकते हैं। ये मैंने आज आपको दो तरह से बनाना बताया है, फिर कभी अगले वीडियो में मैं आपको और अलग तरह से बनाना बताऊँगी।